नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। उत्तन पुलिस ने ऐसे मामले को उजागर किया जो चोरी करते थे, घरफोड़ी करते थे, उनके पास से 1,24,600 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया, दो आरोपी को गिरफ्तार किया। इस घरफोड़ी के मामले में आज ACP दीपाली खन्ना ने हमसे बातचीत की, आइए जानते हैं किस तरह का मामला था। भाईंदर डिवीजन में उत्तर सागरी पुलिस स्टेशन है, उसमें दो आरोपी हमने अटक किए और टोटल 5 गुने उसमें से हमने सामने आए हैं। तो CR नंबर 116/23, 116/23 में 454, 457, 380 का गुना दाखिल हुआ था, उसमें 22,000 का मुद्देमाल चोरी को गया था। तो DB पथक के यानी क्राइम PI और DB पथक के जो API दत्तात्रेय सोनवलकर और बाकी पुलिस हवलदार उत्तम जाधव, जितेंद्र देवेकर और साबड़े, इन्होंने एक अच्छे से एक एम्बुश लगाया था और उसमें हमको ये दो आरोपी हमको धावनी डोंगर में मिले हैं। इसमें पहले CCTV फुटेज हमने चेक किया, CCTV फुटेज में हमको एक धुंधली सी एक तस्वीर मिली थी, उसके ऊपर से ये डिटेक्शन हुआ है। तो इसमें दो आरोपी है, अतुल कांबळे और अकबर शेख। इसका अतुल कांबळे का एज है 24 और इसका 22। ऐसे टोटल 5 गुने ओपन हुए हैं। टोटल मुद्देमाल है 1,24,600 रुपये का पूरा मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है। इनकी पार्श्वभूमि क्या है, आरोपी क्या करते हैं? इनकी पार्श्वभूमि, इनका ये ऐसे छोटे मोटे चोरी चपाटी करते हैं ये। इनमें इसके ऊपर टोटल 3 से 4 गुने इसमें रजिस्टर हुए हैं और आगे के जो हमारे प्रिवेंटिव एक्शन है ये अभी इन पर करने वाले हैं हम। ये थी ACP दीपाली खन्ना, जिन्होंने जानकारी दी कि ये आरोपी को गिरफ्तार किया और इनके पास से लाखों रुपए मुद्देमाल बरामद किया। अब आगे जांच चल रही है, पुलिस और जांच में जुटी है कि इस पर कितने मामले दर्ज है और उन्होंने इस तरह की कितनी चोरी को अंजाम दिया। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, में अजीम तांबोली, उत्तन।